हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो जी, आज हम लोगों ने जाना था मुल्तान, क्योंकि बाबा की रिपोर्ट्स भी आई थी और क्या कहते हैं, कज़न की ढोलकी प्लस उनकी तारीख थी, तो सोचा कि वहाँ चलते हैं। बस जी, यहाँ पर जी चल रही थी तैयारियाँ और मैं उठी हुई थी सुबह 7 बजे की, लेकिन मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है 11:30 बजे और कमरे की जनर सफाई हो गई है, टीवी चल रहा था क्योंकि बाबा वगैरह टीवी देख रहे थे। और मेरा गला अगर आप लोगों को ख़राब लग रहा हो, इसलिए लग रहा है क्योंकि थोड़ी देर पहले ही मैं सो के उठी हूँ। सो मैंने कहा सबसे पहले मैं अपना व्लॉग एडिट करती हूँ और वो डाल देती हूँ। और कमरे की जो हो गई है ना सफाई, और आज पाकिस्तान का मैच भी है। तो जी, उसके बाद जी हम लोग बैठ गए थे गाड़ी में, और गाड़ी में मैं थी, मेरी कज़न थी, मेरी सिस्टर थी, और मेरी कज़न मुझे बहुत तंग कर रही थी, जिसको कहते हैं ना बहुत ज़्यादा उसने मुझे तंग किया आज। और ये था हमारा न्यू पर्स, बताइएगा कैसे लग रहा है। मेरी बहन के हाथ पे चोट लग गई थी और दूसरी बहन के हाथ पे भी चोट लगी हुई थी। तो जी, आप लोग सफ़र देखें, उसके बाद मैं आप लोग को मिलती हूँ। सो गाइस, ये है हमारे रास्ते का व्लॉग। तो जी, मैं आप लोग को जो दिखा रही हूँ, और ना क्या कहते हैं, मैं बैठी हुई थी सबसे पीछे पीछे वाले, हम लोगों ने सीटें ली थी, शीशे के साइड पे मैं नहीं बैठी हुई थी, मेरी कज़न की बेटी बैठी हुई थी। लेकिन मैंने कहा कि ना भाई, मुझे भी बैठने दो थोड़ी देर के लिए, मैंने व्लॉग बनाना है। तो फिर उसने मुझे बैठने दिया और आगे हमारी फैमिली बैठी हुई थी, और जो एंड में जो आप ही बैठी थी गाइस मम्मा के साथ, वो बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, और उन्होंने मेरा चैनल भी सब्सक्राइब किया था, तो थैंक यू। और मतलब मैंने बहुत अच्छी थी, पूरे रास्ते हम लोगों ने उनसे बातें की, मतलब मम्मा ने बहुत अच्छी थी, और साइड पे मेरी कज़न मुझे तंग करी, तो मैंने उसके मुंह पे ना ये ग्रीन ग्रीन से कर दिया, और इतनी हरियाली हो रही थी ना माशाल्लाह से मुल्तान जाते जाते। और कुछ कुछ जगह ऐसी थी जो मैं नहीं दिखा पाई आप लोग को, तो उसके लिए सॉरी। लेकिन मैं आप लोग को जितना मेरे से हो सका मैंने उतना व्लॉग बनाया है, और मैंने मुल्तान में इतना ज़्यादा व्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि गाइस सिर्फ मैं आप लोग को अपना ही दिखा सकती थी, किसी और का तो मैं नहीं दिखा सकती थी। तो यहाँ पर मेरी कज़न की बेटी मुझे कह रही थी बहुत ज़्यादा तंग, और हम रेडी थे सफ़र के लिए, और हम ना बहुत एक्साइटेड थे सफ़र के लिए, और ना वापसी पर मैंने व्लॉग इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही थी, मेरे सर में इतना शदीद दर्द हो रहा था बहुत ज़्यादा, और यहाँ पे सामान के साथ मैं लेट गई, क्योंकि ना जाते जाते इतनी देर हो गई गाड़ी में, इतनी देर उसने बिठाया रखा, और ना मतलब बहुत ज़्यादा, और ये दरिया इतना पा गया, और यहाँ पे इतना पानी भरा हुआ था ना, मैं आप लोग को बता नहीं सकती, बस बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ था। और बस यहाँ पे चलती थी बातें, तो मैं बस वही सुन रही थी, और मेरे बाल देखें कैसे निकले हैं, तो मैं अपने बाल भी सेट कर लेती हूँ और आप लोगों को दिखाती भी चलती हूँ मेरा सफ़र कैसा गुजरा। मेरा सफ़र बहुत अच्छा गुजरा था, और ये टोल प्लाजा आ गया था, मतलब थोड़ा टाइम लग गया था, और हमारी गाड़ी के बिल्कुल पीछे स्पीकर चल रहे थे, तो हम वो भी इंजॉय कर रहे थे, पता नहीं कैसे कैसे गाने लगाए हुए थे उन्होंने, तो बस हम लोग को भी इंजॉय कर रहे थे। और ना मेरे बाल ना बहुत ज़्यादा उड़ रहे थे, क्योंकि ना फिर उसके बाद जो हम लोगों ने ली थी काफ़ी सारी चीज़, हम लोगों ने खाई अपनी चीज़ियाँ, उसके बाद जी यहाँ पे चल रहे थे एप्पल, फिर पिया पानी, पहले मैंने पिया, फिर मेरी कज़न की बेटी ने पिया पानी, और यहाँ पे जो ना हमारी डिग्गी खोली थी, और यहाँ पे हम ना डांस कर रहे थे गाड़ी में, क्योंकि पीछे डैक चल रहा था, वो भी आप लोग को देखने को मिलेगा। बस हम लोग चल रहे थे थोड़ा बहुत, हमने कहा चलो लोग में कुछ कुछ कॉन्टेंट बनाएँ, तो बस यहाँ पर जी हम लोग वही कर रहे थे। और ना मुझे ना सफ़र में लिटरली मुझे बहुत मज़ा आया, और ये जो खुस्से वाली बैठी हूँ ये मैं हूँ, ठीक है गाइस, और उसके साथ जो ना मेरी कज़न की बेटी, और मैं टायर के ऊपर मैंने पैर रखे हुए थे, अच्छा मुझे पैर रखने की जगह भी मिल गई थी, और ये मेरी कज़न की बेटी है, और मेरे साइड पे मेरी दोनों सिस्टर्स बैठी हुई हैं। फिर जो हम लोग पहुँच गए थे मुल्तान हम लोग पहुँचे, उसके बाद हम लोगों ने तैयारी शियारियाँ की, मैंने व्लॉग नहीं बनाया, फिर जब ढोलकी हुई तो मैंने व्लॉग बनाया, और यहाँ पे चली थी ढोलकी, और बहुत 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 मज़ा आया, और जो ना मैंने क्या कहते हैं, बहुत मज़ा आया, हम लोगों ने डांस वांस भी किया सब लोग के जाने के बाद, और मतलब कि ना हम लोगों ने खाया पिया, अच्छा मैंने खाने पीने की इसलिए नहीं बनाई क्योंकि ना सब आए हुए थे, फिर ना वो कह रहे थे मतलब ना उनकी शक्ल ना आ जाए ना, तो फिर मैंने कहा चलो मैं ना नहीं बनाती, और बस यहाँ पे मैं भी थी, और मैं भी जो ना थोड़े बहुत हाथ ला रही थी, उसके बाद सब लोग मेहमान चले गए थे, मैंने अपना सूट चेंज कर लिया था, और लिटरली गाइस मैं इतना थक गई थी कि मैं पैर ना बस कह रहे थे कि अब नहीं कुछ करना, क्योंकि हम लोगों ने डांस भी किया था, तो बस मैं बहुत थक गई थी, मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो फिर ना
मैंने ना कहा कि ना अच्छा कोई बात नहीं, अगर थक गई तो क्या हुआ। फिर मैं ये अगले दिन के सुबह का व्लॉग है, हम लोगों ने आया था वापस घर, तो यहाँ पे चल रहा था मैच और जी फुफ्फोर की बालकनी में से बहुत प्यारा व्यू आता है। मतलब ना उनके ऐसे बादल बादल से हो रहे थे आज ना, हमने कहा ले बारिश ना हो जाए इससे पहले कि हम लोग निकलते हैं। और मेरे कज़न बैठे हुए थे वहाँ पे, फिर हम लोग ना मुजफ्फरगढ़ आ गए थे और यहाँ पे जो हम लोग ना बाज़ार से जा रहे थे, तो हमने बाज़ार में थोड़ी बहुत चीज़ें देखनी थी वो देखी। फिर उसके बाद जी हम लोग आ गए थे अपनी गली के अंदर। गली के अंदर एंटर होते के साथ ना क्या कहते हैं, हमारी एक आंटी थी वो मिल गई थी, उनसे हमने सलाम दुआ की और बस यही। और ये हमारा घर आ गया था, मेरे भाई जो ने खोल दिया ताला, उसके बाद हम लोग घर में एंटर हो गए थे, अस्सलाम वालेकुम भी कर लिया था हम लोगों ने। और ये फिर से पुरानी क्लिप लग चुकी थी, मुझे नहीं पता था। सो कोई बात नहीं, अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब किया करें मेरे चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे सब्सक्राइब किया करें अभी तक जिसने भी नहीं किया। और रास्ते में इतना अंधेरा हो रहा था, मतलब गलियों में तो कम से कम लाइट लगती है, गलियों में भी लाइट नहीं थी। और हमने अस्सलाम वालेकुम किया घर में और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल, बाय बाय मेरे यूट्यूब फैमिली।